मैं आज बना रही हूँ शाही पनीर दम बिरयानी, क्योंकि आज हमारी एनिवर्सरी है और मैं सोच रही थी कि बिरयानी और शादी में बहुत सारी सिमिलैरिटीज होती है। क्या क्या? वेल, दोनों को बनाने के लिए बहुत सारे लोगों की हेल्प चाहिए, लाइक पार्थिव इज हेल्पिंग मी मेकिंग दिस वीडियो। हाय। दोनों में बहुत सारे मसाले होते हैं, दोनों को पकने में वक्त लगता है, लेकिन एक बार पक जाती है तो फिर लाइफ सेट हो जाती है। यस। अब हम हमारा जो प्रेप है हमने कर दिया है, ये मैंने शाही पनीर बनाया है। अच्छा, बाय द वे, दिस इज शेफ संजोत, ही इज रेसिपी, ही इज अ जीनियस शेफ, तो प्लीज आप उनके यूट्यूब चैनल देखिए। राइस को भी, बासमती चावल को उबाल के उसके अंदर पुदीना और कोरिएंडर सेट कर दिया है, थोड़ा फ्राइड कॉलीफ्लावर भी प्रिपेयर किया है बिकॉज इसका स्वाद मुझे बहुत पसंद है। और ये देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्ग्रेडियंट फॉर अ बिरयानी, फ्राइड अनियंस, इसके बिना बिरयानी अधूरी है। सो अब थोड़ा तेल डालेंगे हम, पहले पनीर डालेंगे थोड़ा सा, फिर इसमें डालेंगे एक पूरा लेयर चावल। थोड़े अनियंस डालें, आई लव फ्राइड अनियंस, दे आर द बेस्ट। फिर वापस एक लेयर पनीर का। आई लाइक माई बिरयानी अ लिटिल मॉइस्ट, मॉइस्चर की बहुत जरूरत होती है बिरयानी में, ड्राई बिरयानी नहीं पसंद है मुझे, थोड़ा मसाला होना चाहिए। यम, लुक एट दैट गाइस। अब डालेंगे एक और लेयर राइस का। अच्छा, राइस को बॉईल करते समय मैंने सिनेमन, स्टार अनीस, थोड़ा नींबू, घी, ये सब डाल के राइस बॉईल किया था। अगेन शेफ संजोत घी की रेसिपी है। वैसे तो दो ही लेयर होते हैं बट मेरी बिरयानी में तीन लेयर है बिकॉज आई एम अ वेरी लेयर्ड पर्सनैलिटी। My jokes are getting worse in this lockdown. Please excuse. My favorite, my cauliflower. Khushbu-e bahar. And finally, one more layer of rice. मैंने क्या किया, पुदीना और कोरिएंडर दोनों को चॉप करके उनका मिक्सचर बना दिया है बिकॉज आई थिंक यू नो ग्रीन तो होना बहुत जरूरी है किसी भी चीज को, स्पेशली ये जो कलर्स का पूरा कॉम्बिनेशन है, व्हाइट एंड ब्राउन एंड ग्रीन एंड ऑरेंज, इट्स जस्ट स्पेक्टेक्युलर। कैन यू सी दैट गाइस? रेस्टोरेंट में जो बिरयानी बनती है उसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या होता है? ये है कोयला। वाओ। जब तक कोयला जल रहा है मैंने ये अमेजिंग कूल क्यूकम्बर रायता बनाया है। इसमें ग्रेटेड क्यूकम्बर, कोरिएंडर, जीरा का पाउडर, शक्कर और नमक, ये मेरे मॉम की रेसिपी है। इसको बिरयानी के साथ खाएंगे तो। मैंने दो अनियन पीस लिए हैं, उसको मेरी कटोरी जैसे बना दिया है, उसके अंदर थोड़ा घी डाला और अब जाएगा हमारा कोयले का झोंक। मम्मी, और ये कहीं जाए नहीं इसलिए इसको हमने कैप्चर कर दिया। आई कांट वेट। और 15 मिनट हो गई है। ओ माय गॉड। एंड नाउ એનિવર્સરીના દિવસે આ કઈક બહુ કઈક અદભુત પકી રહ્યું છે અને કેટલી વાર લાગે છે હવે
પેટમાં તોડી રહ્યા છે. પરંતુ કઈક બોલતી હતી કે જાજા વાળું તારું છે અને लगा लेती हूँ.